Good morning students, how are you? Are you fine? Okay, today we are going to learn the lesson grammar part. In the lesson there is a grammar portion about tense. You know tense, how many kinds of tense are there? Tense काल कितना तरीके होता है? Three types. Tense are three types. तीन तरीके. Remember present tense, past tense and future tense. वर्तमान काल, भूतकाल and भविष्य काल. ये तीनों हम इसमें present tense का present tense में four part होते हैं. Simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. ऐसे four part. उसमें हम present continuous tense के बारे में इसी lesson में learn. Am and is. हम पहले learn किया था. बहुत पहले आपको मालूम है. Am, am, is, is. इसका मतलब है हैं. And are, are. इसका meaning वो भी है. WAS was. Was means था. WERE where. Where means थे. AM, AM, IS, IS. ये सिंगुलर में यूज करते हैं. एक वचन में हम यूज करते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब है. AM, AM, IS, IS. है. A and R ये plural में use करते हैं, बहुवचन में use करते हैं. ये एक वचन में use करते हैं, ये बहुवचन में use करते हैं. Present tense. ये past tense है. WAS was था. Where थे. ये तो पहले हमने learn किया था, मैं वैसे revision के लिए लिखा था. ये हम अभी इसके बारे में discuss नहीं करेंगे. हम only learn ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वर्तमान काल में एक काम आगे चलता है. शुरू किया वो फिनिश नहीं है, आगे लगातार चलता है. यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सिंगुलर में सिंगुलर नाउन के साथ इज और आ प्लस वर्ब प्लस सेंटेंस में हम ऐसे यूज करते हैं. इस और आ, इस ये दोनों में से एक आएगा, आई के साथ आम आएगा, बाकी सिंगुलर के साथ इस आएगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट है प्लस इस और आम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. और प्लूरल बहुवचन में सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. इस शुरू में ये सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल नाउन सब्जेक्ट आएगा. इसके साथ ये सिंगुलर में ए फॉर्म होगा और प्लूरल में ये फॉर्म होगा. सिंगुलर सेंटेंस अभी हम सेंटेंस में देखेंगे. प्रिया इज डांसिंग. प्रिया इज डांसिंग मींस प्रिया क्या कर रही है? नाच रही है. प्रिया नाच रही है, नाचती नहीं, नाच रही है. और डांस करती रहती कंटिन्यूअस. ये है लगातार चलते रहते, ये है कंटिन्यूअस. सिंगुलर ये सिंगुलर है. प्रिया एक लड़की है इसलिए इस आता है. इसके साथ क्या करती है प्रिया? डांस करती है. डांस का स्पेलिंग है डी ए एन सी ई, लेकिन हम आई एन जी लगाएगा तब डी ए एन सी आई एन जी. इसमें स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंट है, वो ध्यान रखना. और नेक्स्ट वी आर वॉचिंग ए मूवी. वी मीन्स हम, हम मीन्स बहुवचन होता है. इसके साथ आर वॉचिंग ए मूवी. डब्ल्यू आई टी सी एच वॉच, उसके साथ आगे आई एन जी लगाना. इसमें चेंज है, कुछ शब्द में ऐसे थोड़ा चेंज हो जाता है स्पेलिंग में, वो ध्यान रखना. आई
painting the house. आई के साथ बस आम आएगा. आम कहाँ यूज करते हैं? सिर्फ आई के साथ. I am painting the house. मैं घर पेंट कर रहा हूँ. कर रही हूँ. You are playing a guitar. You singular में भी you use करते हैं, plural में भी you use करते हैं. You are playing a guitar. Playing guitar means guitar में play कर रही है, वो guitar बजाती है. You are playing a guitar. उसमें यू बहुवचन है, बहुवचन के साथ यू के साथ आर आएगा. और शी इज ड्रिंकिंग मिल्क. शी सिंगुलर है इसलिए इस आ गया. ड्रिंकिंग डी आर आई एन के ड्रिंक. ड्रिंकिंग मिल्क डी आर आई एन के आई एन जी. ड्रिंकिंग मिल्क. शी इज ड्रिंकिंग मिल्क. इसका मतलब वो दूध पी रही है. They are singing. They भी बहुवचन है, एक से ज्यादा लोग हैं उसमें they यूज करते हैं. They are singing. वो गाना गा रहे हैं, ऐसे बहुवचन में यूज करते हैं. ये सिंगुलर में ये फॉर्म आएगा सब्जेक्ट प्लस इज और आम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक सेंटेंस मिल रही है. प्लूरल में सब्जेक्ट है प्लस आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. समझ में आया? कंटीन्यूअस फॉर्मिंग. अंडरस्टैंड? रीड दिस थरोली इन पेज नंबर 28 अंडर 35. पेज पेज नंबर 28 में भी ये और 35 में भी ये है. अच्छे से रीडिंग करना. और पेज नंबर 26 अंडर 33 में जो सेम वर्ड्स है, सेम वर्ड्स उच्चारण से स्पेलिंग अलग और मीनिंग भी अलग ऐसा शब्द है इस पेज में. वर्ड्स दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग अंडर डिफरेंट स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन. क्या है? होमोफोन्स. जो शब्द एक जैसा बोलते हैं और स्पेलिंग भी अलग है, इसका अर्थ भी अलग है, ऐसा शब्दों को क्या बोलते हैं? होमोफोन्स. ये 25 पेज में है और 33 पेज में भी है. ये थोड़ा ध्यान से देखें. Means example HAIR हमको मालूम है HAIR hair मालूम है hair के HAIR है बाल. HAIR भी हमने लर्न किया था. HAIR क्या है? ये खरगोश होते हैं. बोलते कैसे? हेयर. दोनों बोलते हैं हेयर और इसका स्पेलिंग अलग है. HAIR हेयर बाल होता है. HAIR हेयर खरगोश होते हैं. ये दोनों हेयर हम बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है. ऐसा वर्ड को बोलते हैं होमोफोन्स. और BLEW ब्लू. ब्लू के हम हुक मार दिया तो उसको बोलते हैं ब्लू. और BLUE ब्लू भी है, वो क्या है? कलर. ब्लू कलर ये सेम उच्चारण होता है. और टेल TAIL टेल. टेल क्या है? TAIL टेल पूंछ होता है. TAIL टेल वो स्टोरी होती है. दोनों एक जैसा बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है, डिफरेंट अलग है. ये पेज भी अच्छे से रीडिंग करना, इसमें जितना वर्ड्स है सारे समझना, रीडिंग करके याद.
ಆಗಿರುತ್ತೆ.